आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए मेनली जो मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, थोड़ा सा मॉक टेस्ट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, कैसा टाइप का मॉक टेस्ट क्वेश्चन होता है, कैसा टाइप का यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए कैसा टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इतना टाइम नहीं है जो हम लोग को बार बार मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करे अटेम्प्ट करे, तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी मदद हो जाएगा। तो ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ये एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को यूपीएससी प्रीलिम्स में मिलेगा जो कंफ्यूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी हम लोग को ऑगमेंटेड रियलिटी के बेस में एक स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला है जो उसके बेस में ही पूरा रेस्पेक्ट टू ऑगमेंटेड उसके बेस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर ऑगमेंटेड रियलिटी ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड वेयर फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीटली शट डाउन। मतलब इस सेंटेंस में बोल रहा है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड प्ले करता है। ठीक है, ओके फाइन। ऑगमेंटेड रियलिटी हैज एप्लीकेशन इन एजुकेशन, दिस इज राइट, कम्युनिकेशन राइट, मेडिसिन राइट, एंटरटेनमेंट एंड डिफेंस। अभी हम लोग को दो स्टेटमेंट दिया है, उसके बेसिस में हम लोग को आंसर ढूंढने के लिए बोला है। स्टेटमेंट के बेस में हम लोग को आंसर कैसे ढूंढना है, ऑप्शंस ऑलरेडी दिया है, वन ओनली दैट वन ओनली द करेक्ट आंसर, टू ओनली द करेक्ट आंसर, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉट टू। मतलब लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि वन भी नहीं होगा टू भी नहीं होगा, तो अभी उसमें से अगर हम लोग आंसर देखें तो टू ओनली, दैट इज दैट मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी हैज एप्लीकेशन इन एजुकेशन, दैट इज राइट, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एंटरटेनमेंट एंड डिफेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ए नासा स्पेसक्राफ्ट दैट इज OSIRIS-REx वाज इन न्यूज। बहुत दिनों के बाद एक नासा ने कुछ स्टेप लिया है, OSIRIS-REx वाज इन न्यूज। अभी बहुत सारे लोगों को ये वाला बात पता नहीं होगा शायद, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और आगे में आप लोग को ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहे, और इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि कौन से बारे में किसके साथ वो रिलेटेड है OSIRIS। अभी अगर ऑप्शन में देखें तो फर्स्टली डीप स्पेस मिशन, टू स्टडी सैटर्न्स मून टाइटन, टू स्टडी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड कॉल्ड बेनु, टू स्टडी ड्वार्फ प्लैनेट सिरस। अभी इसमें से हम लोग को आंसर अगर देखें तो आंसर होगा टू स्टडी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड कॉल्ड बेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू mRNA sometimes seen it news, right? mRNA के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, स्पेशली साइंस स्टूडेंट ने सुना होगा शायद। DNA के साथ हम लोग को मैसेंजर RNA के बारे में भी पता चलता है कभी कभी। मैसेंजर RNA that is mRNA molecule in cells that carries code from the DNA in the nucleus to the sites of protein synthesis in the cytoplasm, the ribosome, by analyzing the entire it, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो by analyzing the entire sequence of mRNA in a cell, researchers can determine when and where is gene is turned on or off for protein synthesis। अभी इन दोनों के स्टेटमेंट के बेस में हम लोग को आंसर बोलने के लिए बोला है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉर टू। अगर हम लोग आंसर देखें तो बोथ वन एंड टू आंसर होगा। ठीक है, With reference to hepatitis B, which of the following statement is not correct? Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver and can cause both acute and chronic diseases. The virus is most probably transmitted from mother to child, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the answer will be both 1 and 2. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus, if any, paid to the farmers plus. That is, answer will be transportation cost only, interest cost only, procurement incidence and distribution cost, procurement incidence and charges for goodowns. The answer will be procurement incidence and charges for goodowns.
कंसीडर द फॉलोइंग, अभी ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को इस क्वेश्चन में ई नेम के बारे में हम लोग को पता चलेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बेस में है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच सीक्स टू नेटवर्क द एग्जिस्टिंग फिजिकल रेगुलेटेड होलसेल मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट ब्रीचिंग इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री एंड हेल्प्स इन एक्सपांडिंग द मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स। सो फॉर ऑल द रेगुलेटेड मार्केट्स अक्रॉस एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन इंटीग्रेटेड टू ई नेम पोर्टल बाई 31 दिसंबर 2019। उसके बेस में अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, हम लोग का ऑप्शन दिया है 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 all, means all, एंड लास्ट ऑप्शन है ओनली 2। द उसमें से आंसर हम लोग देखें तो 1 and 2 only, दैट मीन्स पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल्स व्हिच सीक्स टू नेटवर्क द एग्जिस्टिंग फिजिकल रेगुलेटेड होलसेल मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट ब्रीचिंग इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री एंड हेल्प्स इन एक्सपांडिंग द मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज एचपी which indicates short-term changes in the volume of production of a basket of industrial products in a season-based period of a period for a period of half-yearly, monthly, quarterly, yearly। अगर हम लोग आंसर देखें तो आंसर होगा monthly। monthly base में क्या होता है, India's index of industrial production होता है, which indicates, indicate करता है कि volume of production of a basket of industrial products is a season-based period, मतलब indicate करता है कि हाँ सेलिंग ठीक है बा प्रोडक्शन अच्छा है, तो ये वाला इंडिकेट करते हैं मंथली बेस में, ठीक है। रिसेंटली एसएस कोर्ट वाज इन न्यूज विद रेस्पेक्ट टू प्लानिंग ऑफ एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज, व्हाट एसएस कोर्ट बिलोंग्स टू, एक्सक्लूसिव कोर्ट गिवन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव कोर्ट गिवन टू टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया, एक्सक्लूसिव कोर्ट गिवन टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर बाय एमएसएमई रजिस्टर्ड इन इंडिया, एक्सक्लूसिव कोर्ट टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम लोग उसमें से आंसर स्टेटमेंट में आंसर देखे तो वो एक्सक्लूसिव कोड गिवन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। रिसेंटली जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, अभी इसमें शायद बहुत लोगों ने सुना हुआ है पहले भी और नया वाला भी सुना हुआ है शायद, रिसेंटली जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम वॉज इन न्यूज विद रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एमएसएमईएस फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम MSMES। The Global Competitiveness Report is published by the Industrial Monetary Fund, United Nations Conference on Trade and Development, World Economic Forum and World Bank। The answer will be World Economic Forum। Which of the following is not a sub-index of the World Bank Ease of Doing Business Index? Maintenance of law and order, protecting minority investors, getting credit, that means iska matlab hai loan, that is dealing with construction permits. The answer will be maintenance of law and orders. Next question hai, which of the following law does not cover under the Industrial Relations Code Bill 2019? इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा लॉ है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल पे नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो द ट्रेड यूनियन एक्ट 1928, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। द आंसर विल बी द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये वाला एक्ट क्या है, ये वाला एक्ट अपना लॉ, ये वाला लॉ मतलब डज नॉट कवर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, दैट इज आप लोग का ये वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल इंप्लीमेंट किया गया था 2019 में, ठीक है। तो उसके उसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट, आप लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में ट्राई करूंगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो डेफिनेशन बेस पे आप लोग देखिए और एनसीईआरटी पूरा फॉलो कीजिए क्लास 6 से 10 तक स्पेशली, तो 11 12 भी कर लीजिए आप लोग का ही अच्छा है। तो जितना हो सके जितना अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी क्लियर करेंगे इतना अच्छे से आप लोग प्रीलिम्स क्रैक कर पाओगे। और एब्सेंस ऑफ इसका ऑप्शन देख लेता है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो आंसर होगा एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे क्या होता है उसका मतलब है कि सबको एक ही अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये काला है ये गोरा है ये वाला, ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। ठीक है, हम लोग का इंडिया पे पूरा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सब लोग एक रेस्टोरेंट पे जा सकता है, सब लोग फिल्म देख सकता है, सब लोग खाना खा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये वाला खाना सिर्फ ये लोग खाएगा ये वाला खाना सिर्फ ये लोग खाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग अपने आप पे एंजॉय कर सकता है हम लोग का इंडिया पे। ठीक है, Which article of the Constitution of India safeguards one's right to decent environment and pollution-free water? Article 19, Article 21, Article 25 and Article 29. The answer will be Article 21. According to the Constitution of India, which of the following is fundamental to the governance of the country? अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखें तो first answer है the preamble and the fundamental rights. The active principle of state policy, fundamental duties, fundamental rights and fundamental duties. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा पॉलिटिकल साइंस हो बहुत सारा गवर्नेंस पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा पीछे रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए और थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आंसर होगा द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से आगे हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग आप लोग एक काम करिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इतना नर्वस मत होना, क्योंकि अगर आप यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे से पढ़े तो आप लोग को इजीली आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स लॉ एक्ट, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट कोर्ट, प्लांट वैराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। अगर हम लोग इस तीन स्टेटमेंट के बेस पे अगर हम लोग का स्टेटमेंट के बेस पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 1 and 3 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3, तो आंसर होगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, दिस इज ये एक्ट आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग का ये वाला। अगर यहाँ पे ऐसे एक्ट पे अगर आप लोग का नॉलेज अच्छा हो तो फिलिम से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, प्रेगनेंट वोमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। एंटरप्राइजेस विद क्रेसेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेसेस विजिट्स डेली। वोमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज अ करेक्ट, 1 and 2 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3, द आंसर विल बी 3। Consider the following statement. An amendment to the Constitution of India can be initiated by introducing a bill only in Lok Sabha. If such an amendment seeks to make changes in federal character of the Constitution, that amendment also required to be ratified by legislature of all the states of India. Which of the following statement given above is correct? The answer will be neither one nor two. Next question. What will follow if a money bill is substantially amended by Rajya Sabha? Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot consider the bill further. The Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for recommendation. The President may call the joint sitting for passing to the bill. The answer will be Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. Which schedule of the Constitution of India deals with the administration and control of scheduled areas and tribal areas? अगर हम लोग देखें कौन सा schedule of the Constitution of India, already मैंने schedule के ऊपर video already बनाया था, आप लोग देख सकते हो political science के playlist में।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अगर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 4, 10, 5th शेड्यूल, 5th, 10, 6th शेड्यूल, 6th, 10, 7th शेड्यूल, 7th, 10, 8th शेड्यूल, तो आंसर होगा 5th, 10, 6th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई सन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया, यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गया। तो एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। विद रेस्पेक्ट टू द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रैंकिंग टू द ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन एंड स्टेट गवर्नमेंट? ये वाला क्वेश्चन इस 2020 के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स सबसे ऊपर वाला पोस्ट पे कौन सा है, किसका ज्यादा पावर है। तो अगर हम लोग उसके बेसिस में हम लोग देखें तो ऑलरेडी दिया है प्रेसिडेंट, फिर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, फिर आ जाता है गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट, फिर आ जाता है जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू इंडिया यूएसए रिलेशन, इंडिया ASEAN रिलेशन, इंडिया रशियन रिलेशंस, इंडियन जापान रिलेशन। द आंसर विल बी इंडिया रशियन रिलेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रीट जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अंडर सर्टियोरेरी हायर कोर्ट कैन ट्रांसफर द एक्सक्वास द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट ड्यू टू एरर ऑफ लॉ। अंडर क्वो वारंटो कोर्ट कैन प्रिवेल इलीगल usurpation of public office by any person. Which of the following statement given above is correct? The answer will be both 1 and 2. The chairman of public sector banks are selected by the Bank Board Bureau, Reserve Bank of India, Indian Ministry of Finance, Management of Concern Bank. The answer will be Bank Board Bureau. The service area approach was implemented under the purview of Integrated Rural Development Program, Lead Bank Scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, National Skill Development Mission. The answer will be Lead Bank Scheme. As per the Solid Waste Management Rules 2016 in India, which one of the following statement is correct? Waste generator has to segregate waste into 5 categories. The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial township only. The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. The answer will be the rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. Thank you for watching till end. Hope you like it and please do like, share and subscribe to my video. And best of luck for UPSC prelims 2020. अभी जो UPSC देने वाला है prelims के लिए, तो उन लोग के लिए ये वाला mock test बहुत helpful होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग खुद ब खुद कर सक रहे हो तो ये वाला वीडियो आप लोग को बहुत helpful होगा। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग एग्जाम हॉल पे इतना नर्वस ना हो। Keep patience, keep hard work, success will be waiting for you. Thank you.